हजारिया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक मॉस्क रह गई है, उसके अलावा इसको एक कैथीड्रल में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो पहले ये देखो, मॉस्क कैथीड्रल लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी हम पहुंच चुके हैं कॉर्डोबा सिटी के अंदर, कॉर्डोबा सिटी के सिटी सेंटर के अंदर, जहाँ पे आप पीछे देख सकते हो साथ काफ़ी अच्छा इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। और यहाँ पे शॉपिंग एरिया है सारे, आप कोई भी चीज़ यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, हर किस्म का ब्रांड अवेलेबल है। तो उसके अलावा इनका आर्किटेक्ट देखो, कितना प्यारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और इसके अलावा वो देखो उनका फेमस जो पॉइंट है वो है। उसके बाद अभी आपको पानी वाली चीज़ दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ तो थक चुके और आपको प्यास लगी हुई है, तो उसके लिए ये बने हुए हैं वाटर फाउंटेन। इसका इधर आओ, इसका ये बटन प्रेस करोगे साथ पानी चल जाएगा और आप इसको पी भी सकते हो। और यहाँ पे बैठने के लिए ऐसी प्रॉपर जगह बनी हुई है, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट सिटिंग एरियाज़ बने हुए हैं वहाँ पे हर तरफ। और उसके बाद ये टॉयलेट्स हैं जो पेड हैं, आप पैसे पे करोगे तो डोर खुल जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा। और यस दैट्स इट, बाकी आपको दिखाता हूँ साथ साथ। यार ये हमारा खाना आ चुका है, अभी खाना खाते हैं और उसके बाद आपको बाकी कॉर्डोबा दिखाते हैं। इस टाइम कॉर्डोबा का एक फेमस रोमन ब्रिज पे हम आए हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ व्यू, इस तरह से व्यू है और सब स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट, उनकी ट्रिप्स आई हुई हैं यहाँ पर। काफ़ी प्यारा एरिया है, अभी कॉर्डोबा की फेमस एक लोकेशन है, रोमन ब्रिज का नाम है, यहाँ इटालियंस ने बनाया हुआ है। मेरे पीछे तुम लोग देख सकते हो रोमन एम्पायर का काफ़ी बड़ा एक गेट है जो काफ़ी खूबसूरत है, मैं तुम लोगों को दिखाता भी हूँ। ये देखो, ये वेदर भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, इटली की तरह सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे पीछे रोमन गेट है, मैं कितनी हज़ार बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं भी आप इसकी डिटेलिंग दिखा रहा हूँ। काफ़ी खूबसूरती से बना हुआ है और अभी मुझे लग रही है प्यास, और ये छोटी सी बॉटल है बिल्कुल, अभी पानी पियेंगे क्योंकि हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, और भी तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस और जो अट्रैक्टिव लोकेशन थी, उधर मैं हूँ पहले, तो इसका व्यू कुछ इस तरह से। और होपफुली आप लोगों को मेरे व्लॉग्स का मज़ा आ रहा होगा, इसी तरह और भी व्लॉग आते रहेंगे, स्टे ट्यून। और वामोस, ये इन लोग की सोवेनियर शॉप है जहाँ पे हर फेमस सिटी में होती है, यहाँ पे जिस तरह की इनके जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स होती हैं उनका कोई ना कोई सोवेनियर होता है। और जिस तरह भी मैं कॉर्डोबा में आया हूँ तो कॉर्डोबा के होंगे मेरे पास घर पे ऑलमोस्ट मोर देन 35 पड़ी हुई हैं। कैथीड्रल की टिकट्स ले ली हैं, टिकट प्राइस यहाँ पे आ रही है, ठीक है, 13 जनरल है, बूढ़ों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए 10 यूरो की है, और 10 से 14 साल के लोगों के लिए 7 यूरो की है, और 10 से 14 से जो फैमिली के साथ है उनकी इतनी की है। और ये रही हमारी दो टिकट्स, ग्रेसियस, और ये मैंने टिकट्स ले ली हैं, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं मॉस्क कैथीड्रल देखने। तो यार एक काफ़ी दुखी दास्तान आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरे हाथ में जो आप मॉस्क कैथीड्रल की टिकट्स देख रहे हो उसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि
बजाया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही, एक मॉस्क रह गई है, उसके अलावा इसको एक कैथेड्रल में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो इसमें फ़िलहाल ये एट द प्रेजेंट टाइम ये कैथेड्रल है, पहले मॉस्क हुआ करती थी। जैसे हमारी मॉस्क में आपने देखा होगा सहन वगैरह होता है, जितना दिखाओ कैथेड्रल्स में इस तरह के सहन या ओपन एरियाज नहीं होते। तो इसको हमारे अबाउत जात ने बहुत मेहनत से हासिल किया था। और ये हमारी टिकट्स हैं और अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे। ये यहाँ के एंट्रेंस है। इस टाइम मैं चर्च के अंदर हूँ, जो सो कॉल्ड चर्च है, पहले मॉस्क हुआ करता था। और इसके अंदर देखो ये खूबसूरती देख सकते हो तुम लोग। जिसको देख के लग रहा है कि ये पहले मॉस्क ही हुआ करती थी। ये आप लोग देख सकते हो, ये अरेबिक में वर्ड्स लिखे हुए हैं। और ये जिधर इमाम की जगह होती है वो जगह ही है। और ये है वो जहाँ पे मस्जिद का इमाम होता है, इमाम मस्जिद। अभी तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखो मॉस्क कैथेड्रल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अभी हमारा टूर कंप्लीट हो गया है, काफ़ी मज़े का था, काफ़ी एक्साइटेड चीज़ें मैंने आपको डिटेल में दिखा दी हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने बाकी ब्लॉग भी देखना है और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सो थम्स अप, लाइक करो, शेयर करो। फ्यूनरल जा रहा है किसी का, पीपास गर्राबिन्यास, पीपा गर्रास्तियास, ग्रासेस। खा के देखते हैं क्या दिया। मीठा चावल। हमारी बस आ गई है, इस पे बैठ के हम जाएंगे वापस अपने होटल की तरफ। लेट्स गो। बस का कार्ड है और इसको हमने बीप करना होता है बस में बैठने से पहले। तो ये दरख्त से फ्रेश फ्रेश हमने माल्टा उतारा है जो कि हम खा नहीं पाएंगे पूरी बात। और ये सामने रहा मेरा होटल,
और कितना प्यारा लग रहा है होटल, और ऊपर ही स्पेन का झंडा लहरा रहा है। ये इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा। और अभी हमारा शहर खुल गया, हम जा रहे हैं होटल की तरफ। मुझे आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर। हमने किया ऑर्डर फूड बालकनी में, इस व्यू के साथ खाएंगे। ऑल देसी।